पहले माँ जैसे सोती, छोटी पुस्तक लिखे सुखी जीवन का रहस्य, सुखी जीवन का रहस्य। भाई सुखी जीवन का रहस्य क्या है? रहस्य एक आधा सुख तो हमारा, आधा हमारी संतान का है। अगर हम अच्छी संतान पैदा कर ली तो सुखी होगी। बेटा पूछता है माता जी कोई चीज़ लाऊं आपके लिए, मैं ये करूँ माता जी, ये करूँ माता जी, तो माँ आशीर्वाद देगी, आपको पुड़ बांध देगी। तो आप सब बड़े आदमी हैं, हमेशा सभी बड़े आदमी हो, बहुत बड़े आदमी हो, दिन के पहले उठ करके माँ बाप है, माँ है, बाप है, चाचा चाचा ताऊ है, किसको उठ के चरण स्पर्श करते हो कि आशीर्वाद दे मैं सुखी रहूँ? आशीर्वाद मांगते हो कोई? कि बड़े आदमी हो आप कैसे मांगोगे? तो माँ बाप का बदला दे नहीं सकता कोई। सजनों, गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु ही वो आदमी के वो ज्ञान देते हैं, और माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं, वो कुटते रहते हैं, सीख देते रहते हैं। अब देख लो सोच लो रोज की बात, आप क्या करते हैं? आज से अगर समझ आ जाए तो आज से गला शुरू कर दो, कल जाओ उठ के आप उठ के जैसे भी चल के जाके आशीर्वाद दो मेरे को, ये आशीर्वाद दो मेरी तकलीफ ठीक हो, आशीर्वाद दो मेरे को ये, तो आशीर्वाद मांग लो। धन की कमी है तो जो चीज़ चाहती है उसका आशीर्वाद मांग लो, और नरमी से रोज के लिए सुबह कर लिया करो। गर्मी चबूतरा गर्मी दुआ लो जी, आपको आशीर्वाद मिले, किसका बात हुआ देगा आपको आशीर्वाद? आइए समझें, तो मेरी बात समझो। ये बेटी आ रही है, सास है, सास के नाराजी है, छोड़ो नाराजी को। सास सुबह चढ़ चढ़ कर माता जी जो कुछ मैंने पहले करा वो गलती होगी मेरी, आज से आगे कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, छोटी बन जाओ और उसको चरण स्पर्श करो, वो आशीर्वाद देगी आपको। आप सास को खुश नहीं करती, वो स्वयं वो बैठी रहती है, वो ईविल थिंकिंग करती रहती है आपके प्रति। आप मेरे को क्यों पूछो बाबू, अभी अपना खुद करती है, बच्चों खराब है, हमारा कौन पूछे? वो गलत सोचती है, वो दोनों पर आता है, अगर आप फंसती है ठीक है ना। तो बड़ों के सुबह कहते सम्मान करो, कहते बाद बानसीब बेद बेनसीब, सम्मान करता वो धनवान बनता है, हर एक को सम्मान करता। कोई अच्छा आदमी है और बैठे हैं, कोई चाचा बैठे हैं, कोई दोस्त बैठे हैं, कोई गुरु जी बैठे हैं, ताऊ जी पाए लागू इतना ही दूर से बोल देगा तो वो खुश हो जाए, कोई ये किसका है, फलाने का लड़का है, ओहो मारना तो कोई करे भैया, तो देखो सुबह करे दादाजी पाए लागू फिर गाड़ी में जा रहे हो चलते चलते कर लेते हो, तो इज्जत सम्मान है। तो सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना शुरू कर दे, छोटी सी गल है पंजाबी का, गल निक्की जी है रे बड्डी बहुत है, छोटी सी है रे बड्डी बहुत है। अगर सुबह के टाइम पर आप जाएंगे चरण स्पर्श करेंगे माँ को, बाप को, चाचाओं को, और वो आपके बच्चे भी देखेंगे, वाइफ भी देखेंगे, सब देखेंगे, तो वो नकल करेंगे, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इशारा करोगे तो मैं कहता हूँ माँ को आप नहीं करती, पत्नी को भी शिक्षा दोगे कि उसको करने से आशीर्वाद ले लेते, आइए सुनो। तो ये छोटी सी बात है, देखो हमारा कल्चर भी कल्चर कहाँ गया, पर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रह गया उस वक्त, वही बात। आशीर्वाद देने का तरीका भारतीय जो लिटरेचर है या जो ये जातम, ये दुनिया का गुरु है, ये सबसे पहले इसमें चला है। और ये जो चौथी शिक्षा दे रहा हूँ कि नाम कहाँ पर है, मैंने बताया ना आपको शरीर बन और आत्मा सूरत, इस सूरत का अभी तक ख्याल नहीं है लोगों को, अभी भारत में चले आ रहा है।